Fusion. नमस्कार दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी कपूरथला लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, आज 2019 का एनडीए सेकेंड फेज का एग्जाम खत्म हो चुका है और आपको यह बताते हुए अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हर बार की तरह लगातार इस बार भी जो है एनडीए के लगभग सारे क्वेश्चन हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ही कवर किए गए थे, यानी ज्यादातर क्वेश्चन हमारे क्लासरूम में डिस्कस किए गए थे और बच्चों के कॉपीज में, नोटबुक्स में वो क्वेश्चन वैसे ही डिस्कस किए गए हैं और वो लिखाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डिफरेंस को दूसरी कोचिंग से इस कोचिंग के डिफरेंस को महसूस करना चाहते हैं तो आप भी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए और जो अंतर है उसे आप खुद देखें और महसूस करें। दोस्तों, इस सेक्शन में मैं मनीष कुमार सिंह आपके साथ जीएस के पोर्शन हिस्ट्री और पॉलिटी को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ये पेपर है ए सीरीज का और क्वेश्चन नंबर 107 सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल्स बेस्ड ऑन गांधी जी फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और वार्दोली। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद मजदूर यूनियन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और दोस्तों, अहमदाबाद के प्रकरण में ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का जो है प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, गांधी जी ने के बारे में एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा कि गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत आते ही केक खाया था। CAKE, सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा। और इसमें जो डी ऑप्शन है बारदोली का, उसमें ये 1927 का है और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। पहला स्टेटमेंट है, वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था जो 12वीं शताब्दी के कंचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री था। द वीर शैव मूवमेंट वॉज लेड बाई ए ब्राह्मण नेम्ड वासवन्ना, अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंचुरी रूलर इन द 12th सेंचुरी। दूसरा स्टेटमेंट है, वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनारंभ, पश्चिम विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। द वीर शैव इनकरेज्ड प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र लाइक पोस्ट पॉवर्टी मैरिजेस एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। तो दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 जो कि पूछा गया है लॉर्ड वेलेजली के संबंध में। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड वेलेजली का जो संबंध है वो भारत में सहायक संधि से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते थे। और सब्सिडियरी अलायंस का उद्देश्य था भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी देशी राज्य थे, उनको मिलाकर ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश भारत का उनको क्या करना था, एक अंश या हिस्सा बनाना था। इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वेलेजली के शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का 42.5% हिस्सा सेना के लिए था। In the 6 years of Wellesley administration, the army accounted for 42.5% of the company's total expenditure. और दूसरा स्टेटमेंट है, वेलेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका भारतीय शासक परिवारों के व्यवसायिक और सैन्य मामलों से कोई लेना देना नहीं था। Wellesley's administrative measures were restricted to the affairs of the company and had nothing to do with the कॉमर्शियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलिंग फैमिलीज। तो दोस्तों, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वेलेजली ने एक ट्रीटी शुरू की थी जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि, और उसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो प्रिंसली स्टेट है उनको किस तरह से खत्म किया जाए और उसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाया जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक या ए। 110वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रूसी क्रांति से संबंधित है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जात के रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। द बोल्शेविक्स बिलीव्ड दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक टिरिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स।
और दूसरा स्टेटमेंट है मेंसेरिट यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखना चाहिए जैसे जर्मनी में द मेंसेरिट्स बिलीव्ड दैट द पार्टी शुड बी ओपेंड टू ऑल एज इन जर्मनी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो शब्द दिए गए हैं बोल्शेविक और मेंसेरिट। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी बहुसंख्यक और मेंसेरिट का मतलब होता है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों शब्दों का मतलब जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों ही स्टेटमेंट में ये दो के दोनों स्टेटमेंट ही क्या है सही है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों रूसी क्रांति से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अगर हम पॉलिटी में प्रस्तावना या प्रीएम्बल की बात करें तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये तीन प्रकार का न्याय जो प्रस्तावना में शामिल किया गया है ये भी हमने लिया है रूसी क्रांति से या रूस के संविधान से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन से निर्णय शामिल थे। पहला स्टेटमेंट है इसमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया गया। इट रिजेक्टेड अ प्लान फॉर कोलोनियल यूनियन अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। दूसरा स्टेटमेंट इसने शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार किया। इट ड्रीव अप अ स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवांसेस। और तीसरा स्टेटमेंट है इसने उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति जाहिर की। इट एग्रीड अपॉन अ स्कीम टू स्टॉप ट्रेड बिटवीन द कॉलोनीज एंड इंग्लैंड। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो यूरोपियन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी ये 1774 में हुई थी और कुल तीन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो प्रथम से लिया गया है और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही है। और ये तीनों प्लान तैयार करके ये तीनों जो वक्तव्य है ये तैयार करके ब्रिटेन भेजे गए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा डी एक दो और तीन तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से है और ये पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है आतंक राज या रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप कीवर्ड्स पर ध्यान दिया कीजिए और अगर पूछता है सही है सही नहीं है तो ये कीवर्ड्स होते हैं इनको तुरंत आप अंडरलाइन कर दीजिए या इनको मार्क कर दीजिए इनको गोला कर दीजिए क्योंकि अक्सर होता यही है कि हम केवल यही पढ़ते हैं कि सही और हम फिर उसमें से सही स्टेटमेंट देखने लगते हैं और बाद में एग्जाम के बाद हम ध्यान देते हैं कि पूछता है सही है या सही नहीं है और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी जल्दबाजी करने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसमें 119 नंबर में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पहला स्टेटमेंट है सेंस पुलोटेस की मदद से जोकोबिन्स ने जिरोंडिस को बाहर निकाल दिया। दूसरा स्टेटमेंट है जोकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी वर्ग के साथ साठगांठ थी। तीसरा स्टेटमेंट सी है क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए ही प्रतिबंधित थी। और चौथा स्टेटमेंट डी ऑप्शन है जुलाई 1774 में 1794 में गिलोटिन द्वारा रोबेस्पियर के मृत्युदंड के साथ आतंक राज समाप्त हो गया था। तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि इसमें यह केवल राजनीतिक वर्ग के लिए नहीं था बल्कि यह सभी लोगों के लिए था जो क्रांति के विरोध में थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला पहला भारतीय था। अब दोस्तों यूपीएससी के पेपर के साथ समस्या ये होती है कि यह पेपर जो है इंग्लिश में बनाया जाता है और उसको फिर बाद में गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे तो हिंदी में लिखा है योग्यता अर्जित करने वाला और इंग्लिश में इसको दिया गया है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों अगर देखें तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है भाषा को लेकर के लेकिन हमें लेना यहाँ पे इंग्लिश को है क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर होता है वो हमेशा इंग्लिश में बनता है। और दोस्तों इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए सत्येंद्रनाथ टैगोर सुरेंद्रनाथ बनर्जी आरसी दत्त और सुभाष चंद्र बोस ये चारों ही बहुत फेमस नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से और इसमें जो सही ऑप्शन है वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चारों भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया था ठीक और इसमें सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय संघ और इन्होंने बनाया था इसे 1875 में। आरसी दत्त एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि
दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के निसंदन का सिद्धांत, उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आरसी दत्त की, जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पहली ऐसी किताब है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, आरसी दत्त की जो फेमस बुक है उसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1939 में उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी जब उन्होंने गांधी जी के साथ विवाद के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से 120 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण या कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन अगर इसके ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और ये आपका सही हो सकता था। इसमें पहला स्टेटमेंट है विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैड पेव्ड द वे फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों जाहिर सी बात है औद्योगिक क्रांति जभी होगी जब मशीनों का खोज हो जाएगा। तो इंग्लैंड में उस समय जो है भाप से चलने वाले इंजन, हथकरघा की मशीन, डीजल इंजन सबकी खोज हो चुकी थी। तो इन खोजों ने वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रास्ते को आसान कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। इट हैड फेवरेबल सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन प्लेस। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे पहले, वर्ल्ड में पहली बार जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र है, वो ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। तो सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं वहां फेवर करने के लिए मौजूद थी। तीसरा स्टेटमेंट है नौगम्य नदियों ने अंतर जलीय आंतरिक परिवहन को आसान बनाया। नेविगेबल रिवर्स हैड मेड इनलैंड ट्रांसपोर्ट इजियर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, और ये पूरे ब्रिटेन की नदियों को उस समय तक क्या कर दिया गया था कि आपस में जोड़ दिया गया था। दोस्तों भारत से अगर इसकी तुलना करें तो भारत में अब तक केवल 1% नदियों को ही आपस में जोड़ा गया है, जबकि ब्रिटेन में अब तक लगभग 40% से ज्यादा नदियों को आपस में जोड़ दिया गया है। और आंतरिक जल मार्ग से व्यापार करना बहुत ही आसान होता है और वह बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने भारत में शुरू की है नदी जोड़ो परियोजना, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ब्रिटेन ने यह काम बहुत पहले ही कर लिया था, तो ये भी जो है इसकी वजह से भी ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आसानी से हो सकी। और चौथा था इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता या प्रभुत्व को देखा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसा उस समय किसके पास था, जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट लोगों के पास था, पूंजी लोगों के पास ही था। ठीक है, तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट सही है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 122 पूछ रहा है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल जो 46 है ये हमें हमारे संविधान के भाग 4 पार्ट 4 से संबंधित है, और भाग 4 संविधान का डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं राज्य के निधि निदेशक तत्व। और ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों इसमें जो है एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य को या सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित करता है या स्थापित करता है। तो क्वेश्चन भी यहीं से उठता है, उसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 38 या अनुच्छेद 38। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, उसमें पूछ रहा है कि अनुच्छेद 46, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य कमजोर वर्ग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को आधार बनाकर संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया है, और उसी के आधार पर अब जो उच्च जातियों का जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको भी जो है 10% का आरक्षण जो है प्रदान किया जा रहा है। तो 122 का इसका जो है सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और आचार्य नरेंद्र देव ये गांधी जी के सहयोगी थे और इन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग लिया था, और आचार्य नरेंद्र देव पेशे से या व्यवसाय से ये एक शिक्षक थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद।
क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन या देश निकाला की वजह से हुई है। पूछ रहा है कि इसमें से किस व्यक्ति को भारत से बाहर निकाल दिया गया था और कहीं बाहर ही उनकी डेथ या मृत्यु हो गई थी। इसमें ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है नाना साहेब। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जैसा कि हम जानते हैं झांसी की रानी थी और 1857 के विद्रोह में इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये ग्वालियर के युद्ध में हीरो से लड़ते हुए शहीद हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। बिल्कुल दोस्तों ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, मुगल सम्राट थे और इनका नाम था बहादुर शाह और जफर के टाइटल से या जफर के उपनाम से ये शायरी लिखा करते थे और इन्हें 1857 की क्रांति के बाद इन्हें दंड स्वरूप म्यांमार या बर्मा भेज दिया गया जहां 1862 में उनकी डेथ हो गई और वहीं पर इनकी जो है कब्र है। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन सी है तात्या टोपे। क्वेश्चन तात्या टोपे और नाना साहेब से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि तात्या टोपे का ओरिजिनल या वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों तात्या टोपे का ओरिजिनल या वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था और दोस्तों इनके दोस्त ने इनको धोखा दिया था जिसकी वजह से इन्हें पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। और ऑप्शन चार नाना साहेब है जिनका ओरिजिनल नाम धुंधुम पंत था और ये 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों एक बात और उल्लेखनीय है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल कर रही थी और बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चली गई थी जहां पे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के उपबंध किन किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु लागू नहीं होते। द प्रोविजन ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दोस्तों अगर आपको पांचवी अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उसमें से अगर आपको छठी अनुसूची याद है तो छठी अनुसूची में चार स्टेट को दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर आपको छठी अनुसूची याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन दो और तीन को अगर आप हटा दें तो केवल ऑप्शन एक बच जाता है छत्तीसगढ़ झारखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, दो और तीन। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होता, बाकी केवल एक ही बच रहा है छत्तीसगढ़ झारखंड और यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल लागू किया गया है उड़ीसा के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 लेते हैं, ये जो है सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार से संबंधित है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 134, सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद के विचारों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है दयानंद के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहां विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों का संपादन करना था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दयानंद आइडियाज ऑफ सोशल रिफॉर्म। पहला स्टेटमेंट, दयानंद रिफॉर्म इंसाइज अ सोशल ऑर्डर वेयर डिफरेंट कास्ट परफॉर्म्ड फंक्शंस सुटेबल टू देयर स्टेटस डिटरमाइंड बाय द मेरिट। सेकंड स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दयानंद के संतुलित खरे वैदिक प्रतिरूप ने आर्यावर्त को वसीभूत कर लेने वाले पुरुषोचित बलवान पश्चिम को चुनौती दी थी। दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंज द मस्कुलिन वेस्ट दैट हैड इंस्लेव्ड द आर्यावर्त। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है एक पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले कहा था कि हमें वेदों की ओर लौट जाना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और दूसरा इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और उन्होंने 1875 में की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 लेते हैं। दोस्तों डिस्कस करते करते मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड है और जो घुमा फिरा के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को ही पढ़ें, इन क्वेश्चन से लगे हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, जो क्लास में लिखवाए जाते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। Consider the following statements concerning the American War of Independence. पहला स्टेटमेंट कहता है, the Americans raised the slogan, no taxation without representation.
अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया। अमेरिकन मर्चेंट्स रिसोर्टेड टू द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर अबाउट इजारा सिस्टम। इजारेदारी प्रथा के बारे में दोस्तों पूछ रहा है। इजारेदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत में भी थी, इजारेदारी प्रथा मुगलों के टाइम में भी थी, और इजारेदारी प्रथा जो है अंग्रेजों ने भी लागू किया था। और ये राजस्व वसूलने का, भू राजस्व वसूलने का, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक जो है तरीका था। पूछ रहा है इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आधुनिक भारत अंग्रेजों के आने की बात करें तो इजारेदारी सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में लागू किया था। और इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। यह कृषि राजस्व या रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें भी पूछ रहा है भाई कि विच इज नॉट करेक्ट, हमें ध्यान रखना है कि गलत स्टेटमेंट हमें इसमें सेलेक्ट करना है। दूसरा, इसने दलालों की भूमिका को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। तीसरा, इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट। दोस्तों इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही थी, इसमें जो है लैंड रेवेन्यू किसानों के लिए फिक्स नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 कहते हैं, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ नेशनल कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू क्यों हुआ था। तो भारत में जो सबसे विवादित वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, और उसने एक निर्णय लिया था कि जो है बंगाल का विभाजन किया जाएगा, क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था और प्रशासन की दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के पर्पज से वहां पर प्रशासन आसान नहीं था। तो उसने क्या किया था कि उसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारतीयों ने एक आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के तहत ही कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज बना था, और जिसके पहले प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष, यानी 142 का सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 143। वर्ष 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए उद्घाटित किया गया था। द रोइंग्स ऑफ विजयनगर हम्पी वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वेयर एंड इंजीनियर। पूछ रहे हैं दोस्तों कि विजयनगर जो एम्पायर था उसको सबसे पहले किसने जनता के सामने खोजा था या प्रस्तुत किया था। इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जेम्स प्रिंसेप वह पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है कॉलिन मैकेंजी। इसमें एक ऑप्शन डी है दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं था। विच कंट्री ऑन द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्ड कोलिशन अगेंस्ट नेपोलियन। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि नेपोलियन फ्रांसीसी था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप समझ जाए कि ये फ्रांसीसी था तो सीधे सीधे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इतिहास के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतिहास भारत में जो बहुत सारे विदेशी यात्री आए तो विदेशी यात्रियों के क्रम के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन सा विदेशी यात्री कब आया, किसके शासनकाल में आया, या कभी कभी उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं या उन्होंने जो डायरी वगैरह लिखी थी उसके बारे में भी पूछ दिया जाता है। Which one of the following pairs of travelers and their nationality is not correctly matched? दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि is not कौन सा इसमें गलत है। ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को, ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था और ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। दूसरा ऑप्शन है बी डुआर्ट बारबोसा, ये बिल्कुल सही है। ये पुर्तगाल से आया था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था।
तीसरा ऑप्शन है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर और यहाँ पे दिया हुआ है डच। तो दोस्तों यहाँ पे ये डच नौकर थी, ये फ्रांसीसी यात्री था और ये जो है शाहजहां के टाइम में भारत आया था और इसने एक डायरी लिखी है, उस डायरी का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया। दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये जो है एक फ्रांसीसी यात्री था, ये शाहजहां के टाइम में भारत आया था और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है, इसकी जो डायरी है उसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। और चौथा ऑप्शन है निकोलो मनुची, ये बिल्कुल सही है, ये वेनेसियन था और ये दारा सिगो के टाइम में भारत आया था और दारा सिगो की सेना में ये तोपची था, तोप चलाने वाला था और दारा सिगो की जब मृत्यु हो गई तब ये इसने तोप चलाने का काम छोड़ दिया और तब ये एक चिकित्सक बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 145 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैन वेबसाइट टवेर्नियर और ये था फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रकार से ये डिस्कशन खत्म होता है, इतिहास और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों अगर आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और आप खुद देखेंगे कि बाकी जगहों पे जो चीजें पढ़ाई जाती है वहां से कहीं ज्यादा बेटर और कहीं ज्यादा डीप में चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है और उनको डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी सेना में अधिकारी बनकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी कपूरथला लखनऊ को ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य को एक सुंदर मार्ग प्रदान कीजिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए और देश सेवा का अपना सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।